हाय बॉल नमस्ते मेरे दोस्तों, मैं हूं शहान मलिक श्रीलंका से। आज बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए क्योंकि विक्रांत पाजी ने, मिस्टर विक्रांत गुप्ता ने और स्पोर्ट्स तक ने मुझे एक शाउट आउट दे दी और मैं श्रीलंका से एक घर पे बैठकर कंटेंट करने वाला, हिंदी भी अच्छी तरह से आता नहीं है लेकिन आपके लिए कॉन्टेंट लेकर आ रहा हूँ, तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर से धन्यवाद स्पोर्ट्स तक और विक्रांत सर, बहुत धन्यवाद जो आप मुझे शाउट आउट्स दे रहे हैं ना, उसी के वजह से तो सब्सक्राइबर्स आते हैं और लोग मेरा कंटेंट देख लेते हैं। बात करते हैं आज के मैच के बारे में। सबसे पहले बोल रहा हूँ, मेरे हिंदी में गलतियाँ हैं, प्लीज़ क्षमा कर देना। आगे जाके हम हिंदी ठीक करेंगे, ठीक है? ओके, तो आज के मैच थे मुंबई और CSK। आपको तो पता है, अगर मेरे चैनल के साथ आप रहा है तो मैं मुंबई का फैन हूँ, मुंबई इंडियंस का फैन हूँ। लेकिन आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुश हो जाऊँ या दुखी हो जाऊँ, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने मैच हार गया। हाँ, लेकिन हमारा मतीश पतिरण ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दिया, 28 रन्स पर 4 विकेटें ले ली। और वो विकेटें किसके विकेट्स थे? ईशान किशन के विकेट थे और सूर्य कुमार यादव के विकेट थे। हाँ, इतनी अच्छे रोमारियो शेपर्ड को वो जो योकर डाला ना, आपने देखा, इतने अच्छे खिलाड़ियों का विकेट्स ले ली और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुश हो जाऊँ या दुखी हो जाऊँ। और यार, जब पतिरना श्रीलंका के लिए खेलते हैं ना, तो आप मैचेस मत देखो। अगर आपने नहीं देखा है तो थोड़ा जाके देख लो, अफगानिस्तान के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ इसने कैसे बॉलिंग की। यार, ये इतनी बुरा बॉलिंग कर रही है, जब भी श्रीलंका के लिए खेल रहे हैं तो मुझे समझ भी नहीं आता। जब श्रीलंका में भी खेल रहा हो ना, तो तभी भी ये इसका बॉलिंग बहुत बुरा होते। यार, याद आके जाके धोनी के अंडर एक अलग ही एनिमल खेल रहा है, ये क्या हो रहा है? हाँ, क्रेडिट जाना चाहिए MS धोनी को बिल्कुल। और हमें बहुत खुश होंगे अगर पतिरना ने ऐसे ही परफॉर्म किया तो, जब वो श्रीलंका के लिए खेल रहे हैं तो। MSD के बारे में तो बनता है दो बातें करना। यार, हार्दिक पांड्या दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर होंगे शायद, हाँ, वन ऑफ द सबसे बड़ा ऑलराउंडर्स। 3 बॉल पर 3 चक्के, और वो भी MSD का पहला 3 बॉल्स जो उन्होंने फेस किया था। हाँ, इन 4 बॉल्स 20 रन्स MSD ने प्रूव किया कि अगर वो चाहे तो आज भी इंडियन टीम के लिए वो खेल सकते। और ये सोचने वाली बात है एक्चुअली इंडियन टीम के लिए, आपका वो आप ग्रूम कर रहे हैं ऐसे कैप्टन हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियंस आपका तो कैप्टन है, इतना पैसा देकर लिया हार्दिक पांड्या को, तो हार्दिक पांड्या को एक एलीट लेवल पर रखा गया है ना इंडियन क्रिकेट और मुंबई इंडियंस ने। ये सोचने वाली बात है कि यहाँ से कहा जाते हैं हार्दिक पांड्या, क्योंकि आज के मैच के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा ने एक अच्छा 100 बनाया, लेकिन उसके सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था मुंबई इंडियंस टीम में। हार्दिक पांड्या सपोर्ट कर सकते थे और वो बहुत ही हार्दिक पांड्या के लिए ही वो मौका बनाया था एक्चुअली। उन मौके पर, उन सिचुएशंस पर हार्दिक पांड्या अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और वो पहले कर चुके हैं, ऐसे मैच खत्म कर चुका है पहले हार्दिक पांड्या ने, तो उसको एक्सपीरियंस भी है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या का एक्सपीरियंस नहीं ऐसा मैचेस खत्म करके, नहीं यार, आज वही सही मौका था, लेकिन आज भी मौका जाने दिया हाथ से हार्दिक पांड्या ने। तो पता नहीं, ये शायद कैप्टनसी का प्रेशर होगा। हाँ, ऑडियंस भी बू कर रहा है, लेकिन अगर आप एक अच्छा खिलाड़ी है तो इन सबसे बाहर निकल के आना पड़ता है। आपको शायद याद होगा, ABD Villiers के खिलाफ पूरा इंग्लैंड के क्राउड बू कर रहे थे और उसके बाद वो कमबैक देकर 100 बनाया। मुझे अगर मेरा याददाश्त सही है तो वो टेस्ट मैच में ABD Villiers ने 100 बनाया और पूरा क्राउड उठकर ताली मार रहे थे। और हार्दिक पांड्या आज अगर मैच खत्म किया तो क्राउड आपको ताली मार सकते थे, लेकिन हुआ नहीं। आपने एक बहुत बुरा इनिंग्स खेला आज। हाँ, रोहित शर्मा के शर्मा को सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं था। तिलक वर्मा ने जाके आवा थोड़ा शॉट्स खेल ली, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं थे। ये मैच बहुत ही आसानी से जीत सकते थे कौन? मुंबई इंडियंस। चेन्नई ने पहला बैटिंग करके बनाया था 206 रन्स चेन्नई ने पहली बैटिंग पहला बैटिंग करके। और ऋतुराज ने जो पहला मैच में
मोमेंटम देते ना, एक आसान चेस था ना पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, तो उस मैच में ये मोमेंटम जो ऋतुराज ने लिया है ना वो आगे कैरी किया है और अच्छी स्ट्राइक रेट से उसने बनाया 69/40 डिलीवरीज। तो कैप्टन्स नॉक भाई, वेल प्लेड। और शिवम दुबे, मैंने मेरा पहले वीडियो में बताया था कि शिवम दुबे का आईपीएल एवरेज इन मुंबई इज सिर्फ 11। हाँ जी हाँ, तो नहीं एवरेज नहीं, स्ट्राइक रेट जाके सिर्फ 111। हाँ तो उन्होंने अच्छा नहीं खेला था आईपीएल में इन मुंबई, अपना होम ग्राउंड है ना, शिवम दुबे का होम ग्राउंड है वो, तो आज जाके कैसे खेला और बनाया था 66/38 वैल्यूबल रन्स, बहुत ही वैल्यूबल रन्स। डैरन मिचेल ने जाके 17 बनाया था, लेकिन वो मुझे ये लगता है कि थोड़ा स्लो गया, वो इसे तेज खेल सकते थे और अगर वो इसे इस पिच में थोड़ा और रन्स थे, मुझे लगता है कि 230-225 वहाँ जा सकते थे, लेकिन धोनी ने आके कमाल किया, 4 बॉल्स में 20 रन्स बनाया। क्रेडिट जाता है मतेश पतेर्न को स्पेशली। हाँ जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलर्स ने, फील्डर्स ने स्पेशली अच्छी की, फिर साथ थोड़ा एक्सपेंसिव थे, जडेजा भी उतना खास कुछ नहीं किया, हाँ यहाँ वहाँ दो तीन डॉट बॉल्स डाली, लेकिन पूरा क्रेडिट जाना चाहिए, मोर देन 70% क्रेडिट जाना चाहिए मतेश पतेर्न को, क्योंकि उन्होंने आके क्रूशल जंक्चर्स पर एक ही ओवर में ईशान किशन का और सूर्य कुमार यादव का विकेट्स ले ली और इतनी अच्छी तरह से बॉलिंग की, कमाल कर दिया ऐसे श्रीलंकन, मुझे बहुत प्राउड फील होता है उसके बारे में और बहुत ही दुखी भी फील हो रहा है, क्योंकि वो ऐसा परफॉर्मेंस नहीं देते हैं जब ही प्लेइंग फॉर श्रीलंका। तो रोहित शर्मा ने 105 बनाए, लेकिन रोहित शर्मा ने भी मिडिल में जाके थोड़ा ज़्यादा डॉट बॉल्स ले ली मुझे लगता है, क्योंकि वो अकेला मैच जिता सकते थे मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है, आपकी राय प्लीज़ कमेंट्स में बता दो। हाँ शायद आप बोलेंगे कि अकेला मैचेस जिताना मुश्किल है, लेकिन ऐसे मौके हैं ना, आपको याद है ना अकेला मैच जिताया था विराट कोहली ने जब पाकिस्तान के खिलाफ आप इंडिया खेल रहे थे ना, वो 2022 वर्ल्ड कप शायद, T20 वर्ल्ड कप में, हाँ तो हाँ ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था, आप ऐसे नहीं कह सकते आज मैच जिता सकते थे रोहित शर्मा, लेकिन हाँ हमारा मतेश पतेर्न ने अच्छी बॉलिंग की और चेन्नई सुपर किंग्स का ये एक अच्छी एक्सिक्यूटेड प्लान है, इस टीम को हराना मुश्किल है, लेकिन जब भी हम ऐसे बोलते हैं ना वो टीम हार जाते हैं। पहले मैंने यही बोला था जब वो पंजाब के खिलाफ खेल रहे थे तो पंजाब ने हराया चेन्नई को, तो लेकिन इस टीम के साथ अगर आप आगे जा रहे हैं तो स्पेशली मतेश पतेर्णा, फेस जडेजा और बैटिंग डिपार्टमेंट में दुबे, ऋतुराज, रचिन, ताला धोनी, अगर ऐसे ही परफॉर्म करते जा रहे हैं तो आगे, तो इस बार कप उठाने का चांस है ज़रूर चेन्नई को। तो देखते हैं कि आगे के मैचेस में क्या होंगे, और एक दुबे में मैच थे KKR वर्सेस LSG, जैसे ही मैंने बोला था वैसा ही हो गया, आसानी से जीत गया मैच KKR ने, ज़्यादा बात करने के लिए भी कुछ बचा नहीं उस मैच के बारे में, क्योंकि 160 कुछ बनाए थे LSG, 15 ओवर्स के अंदर मैच ख़त्म किया था KKR ने, तो हाँ। और फिल सोल्ट ने जाके एक धमाकेदार इनिंग्स खेला, या वाह हर जगह मारा था और कान एक ख़त्म LSG का, तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा थोड़ा LSG भी ये प्लेऑफ्स के लिए ये जो रेस चल रहे हैं ना वो भी थोड़ा नीचे है इस रेस में, पीछे है इस रेस में, शायद वो नहीं चल पाएंगे, लेकिन बहुत टीम से स्पेशली 5 टीम से जो फाइट कर रहा है, 6 टीम से जो फाइट कर रहा है ये top 4 spots के लिए, वो है CSK, KKR, राजस्थान और गुजरात टाइटंस, और KKR, राजस्थान, अभी बता दो ना प्लीज़, KKR, राजस्थान, गुजरात टाइटंस, CSK, मुंबई इंडियंस, हाँ अब मुंबई इंडियंस भी थोड़ा पीछे है, ओके, और सनराइजर्स भी रेस में है मुझे लगता है। तो आपका क्या सोच है, इस बार प्लेऑफ्स पर कौन जाएंगे, प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए लंकन क्रिकेट।